सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया बढ़िया कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। तो भाई, आज का वीडियो जो होने वाला है ना, वो होने वाला है प्रॉपरली कि पांच ऐसे तरीकों के बारे में मैं बताऊंगा आप लोगों को, पांच ऐसे तरीके जिससे आप अपनी पल्सर NS200 का जो पिकअप का प्रॉब्लम है ना, वो सॉल्व कर सकते हैं। सो पिकअप के प्रॉब्लम से मेरा क्या मतलब है, बहुत से लोग आप में से कमेंट्स करते हैं मेरे को, बहुत से लोग सवाल पूछते हैं कि यार मेरी गाड़ी लैग कर रही है, कुछ सेकेंड्स का लैग आ रहा है मेरी गाड़ी में जब भी मैं भगा रहा हूँ। तो एक्सेलरेशन के टाइम पर ही आता है ऐसा, वैसे नहीं आता, थोड़ी देर का लैग होता है, मतलब कुछ माइक्रो सेकेंड्स का लैग, उसके बाद गाड़ी एकदम से ही खुलने लग जाती है। तो वो कुछ सेकेंड्स का भी जो लैग आता है ना, उसी को मैं फिक्स करने का सोल्यूशन आज की वीडियो में बताऊंगा। और बहुत से लोगों की गाड़ी में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है उस लैग की वजह से कि वो सही से भाग भी नहीं पा रही है, बहुत ज़्यादा मिसिंग कर रही है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जिनकी गाड़ी अभी तक मिसिंग का प्रॉब्लम कर रही है, और आज के वीडियो में मैं पूरा का पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा आपको। सो गाइस, सबसे पहले तो आप लोगों को पता क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को अपनी फ्यूल लाइंस को चेक करना है कि आपकी पेट्रोल की जो लाइन है कहीं से पाइप वाइप तो दबा हुआ नहीं है, ब्रीदर पाइप तो दबा हुआ नहीं है। क्योंकि बहुत से केसेस में ऐसा होता है ना, हम लोग सर्विस वगैरह करने के लिए टंकी वगैरह खुलवाते हैं तो उससे नीचे जो ब्रीदर पाइप होता है ना, वो दब जाता है। तो ब्रीदर पाइप के दबने से भी गाड़ी मिसिंग करती है, एंड अगर ज़्यादा दबा हुआ होगा तो हर 1 से 2 किलोमीटर चलेगी और उसके बाद फिर बंद हो जाएगी, फिर थोड़ी देर में स्टार्ट होगी, फिर बंद हो जाएगी। तो अगर इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है तो टैंक के नीचे ही ब्रीदर पाइप होता है, एक बार उसको चेक करिए, प्रॉब्लम उसी में हो सकता है। और साथ ही साथ फ्यूल लाइंस में गाइस, अपना जो ये पेट्रोल फिल्टर होता है, जो इसके अंदर होता है, पेट्रोल फिल्टर आता है, तो पेट्रोल फिल्टर भी आपको हर 5 से 6 हज़ार किलोमीटर पे चेंज करा देना, क्योंकि उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आती है। क्योंकि भाई ये कार्बोरेटर वाली गाड़ी है, FI वाली गाड़ी नहीं है, तो FI वाली गाड़ी में सच प्रॉब्लम नहीं आती मिसिंग की, कार्बोरेटर में आती है। तो कार्बोरेटर में आपको ये सब चीज़ें चेक करनी होती है, फ्यूल लाइंस वगैरह। तो ये था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैं बताता हूँ गाइस। सो गाइस, दूसरा पॉइंट जो है ना, दूसरा पॉइंट मैंने उस पर वीडियो बना भी रखी है, दैट इज़ एडिंग फ्यूल एडिटिव। सो फ्यूल एडिटिव आप में से बहुत से लोगों को पता होगा मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। एक लिक्यू मोली का फ्यूल एडिटिव आता है, एक यामाहा का PEA कार्बन क्लीनर आता है, वो भी एक फ्यूल एडिटिव ही है। तो इन दोनों में से आपको जो सा कन्वीनियंट लगे आप वो सा लेके इसमें डालिए। सो फ्यूल एडिटिव जो होता है ना, वो अंदर जितना भी कंबशन चैम्बर के कार्बन वगैरह जो जमा हो जाता है ना, जितना भी कार्बन वगैरह डिपॉजिट हो जाता है, तो उसको क्लीन करने में हेल्प करता है। तो अगर अंदर कुछ कार्बन वगैरह का डिपॉजिट होगा, जो कि यूजुअली पल्सर NS200 में हो जाता है, तो वो सब क्लीन हो जाता है प्रॉपरली जब आप फ्यूल एडिटिव को डालते हैं। तो मैं तो कहूँगा कि एक बार यूज़ करके देखिए, आपको नोटिसेबल डिफरेंसेस मिलेंगे। लेकिन नोटिसेबल डिफरेंस भी मिलेगा 50 से 60 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद, एकदम से नोटिसेबल डिफरेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कार्बोरेटर वाली गाड़ी है, तो कार्बोरेटर वाली गाड़ी में एकदम से चीज़ें पता नहीं चलती हैं। तो ये था सेकंड पॉइंट। सो गाइस, थर्ड पॉइंट है चेकिंग द कंडीशन ऑफ द चेन। तो भाई ऐसा होता है ना कि देखो, चेन इस पॉकेट भी जब घिस जाता है, चाहे आगे का हो चाहे पीछे का हो, या फिर चेन की हालत अगर ठीक से ना हो या ल्यूब्रिकेटेड ना कर रखी हो चेन को, तो यार प्रॉब्लम अराइज हो जाती है। चेन भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है गाड़ी भगाने में एंड एक्सेलरेशन एक चीज़ पे। तो भाई चेन आपकी ठीक होनी चाहिए, एंड ठीक नहीं है तो नया चेन पॉकेट पड़वाइए, और अगर पॉकेट सही है, चेन अगर आपकी ड्राई है, तो उसको ल्यूब करके रखिए। मैं तो कहता हूँ टाइम टू टाइम चेन को ल्यूब करके रखा करो, गाड़ी कभी भी चेन से प्रॉब्लम नहीं देती है। बहुत से लोगों की NS में चेन की आवाज़ आती है, तो अगर टाइम टू टाइम आप ल्यूब करके रखेंगे चेन को, तब भी आपकी चेन इतना आवाज़ नहीं करेगी। तो ये था मेरा थर्ड पॉइंट। सो गाइस, फोर्थ पॉइंट जो है ना, फोर्थ पॉइंट तो मैं खुद भी करने वाला हूँ, बहुत जल्दी करने वाला हूँ, अभी नहीं लेकिन बहुत जल्दी मैं करूँगा, क्योंकि मेरी गाड़ी को भी 5 साल हो गया है और अब मुझे लगता है कि इसको चेंज कराना चाहिए। तो गाइस, वो चीज़ है कार्बोरेटर की स्लाइड। तो कार्बोरेटर यार काफ़ी अंदर है इसके, काफ़ी ज़्यादा अंदर है। तो कार्बोरेटर में एक स्लाइड होती है, ऊपर की तरफ होती है, तो उसकी स्लाइड जो होती है ना गाइस, वो कट जाती है, जिसकी वजह से गाड़ी एक्सेलरेशन में हल्का सा लैग देने लग जाती है। तो उस पर तो बहुत से लोगों ने वीडियो बनाई है कि NS200 में स्लाइड का प्रॉब्लम आता है, जितनी भी BS3 एंड BS4 हैं उसमें स्लाइड का प्रॉब्लम आ जाता है कार्बोरेटर की स्लाइड का। तो स्लाइड की कॉस्टिंग ऐसी आती है आपकी 1200 से 1300 रुपए की, 99 RPM पे मिलती है, मैं उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो अगर आपकी गाड़ी मिसिंग कर रही है तो आप एक बार स्लाइड भी पड़वा के देखिए कार्बोरेटर की, हो सकता है आपकी गाड़ी की मिसिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। फिफ्थ पॉइंट की हम बात करते हैं गाइस। सो फिफ्थ पॉइंट है गाइस, इम्प्रॉपर वैल्व क्लियरेंस। सो गाइस, ऐसा होता ना, अगर वैल्व क्लियरेंस भी गाड़ी का प्रॉपरली ना हो तो इस वजह से भी गाड़ी एक्सेलरेशन में थोड़ा सा लैग करती है। तो वैल्व का जो सीन है ना, अपने टैपेट्स को हमेशा एडजस्ट करवा के रखो। इनलेट वाले टैपेट का है 0.05 और आउटलेट वाले टैपेट का है 0.08। तो इस हिसाब से आपको अपनी ट्यूनिंग बिठा के चलनी है, टैपेट्स को भी अपना एडजस्ट करवा के रखो, क्योंकि टैपेट्स भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं एक्सेलरेशन में। सो गाइस, ये कुछ 5 टेक्निक्स थी जिसकी हेल्प से आप अपनी गाड़ी का पिकअप का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकते हैं। बहुत से लोग मुझसे ये कहेंगे कि यार तुमने क्लच प्लेट्स वगैरह का जिक्र नहीं किया। तो भाई, गाड़ी क्लच से बिल्कुल ठीक
होती है यार, प्रॉब्लम इन्हीं सब चीज़ों में होती है। क्लच प्लेटें वगैरह चेंज मत कराना अनटिल अनलेस आपको एक प्रॉब्लम लगे कि आपकी गाड़ी का आरपीएम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और गाड़ी आपकी भाग नहीं रही है। ऐसे केस में आप क्लच प्लेटें चेंज करा सकते हो, लेकिन अगर आपकी गाड़ी कुछ सेकंड्स का लैग देके फिर उठ रही है तो भाई ऐसे में क्लच प्लेट चेंज कराने की कोई ज़रूरत नहीं, क्लच आपका बिल्कुल प्रॉपर है। आपको इन्हीं पाँच चीज़ों में से कोई एक चीज़ चेक करनी है, इन्हीं पाँच चीज़ों में किसी एक चीज़ में खराबी होगी। सो गाइज़ उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। सो गाइज़ वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर, एंड मैं मिलता हूँ गाइज़ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।